अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद और मैं हूं समीना पाशा। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। सिंध धरती माँ है, माँ को कोई तकसीम नहीं कर सकता। अल्ताफ हुसैन ने सिंध वन और सिंध टू का फॉर्मूला दे दिया। सूबे में शहरी और देही कोटा सिस्टम खत्म करने का भी मुतालबा। अल्ताफ हुसैन की पीपल्स पार्टी पर शदीद तंकीद, कहते हैं भुट्टो की लाश छोड़कर भागने वाले आज सिंध के वारिस बने बैठे हैं। जमात इस्लामी, ANP और कौम परस्तों पर भी हमले। 50-50 नंबर 1 नंबर 2, सिंध धरती माँ है। बिलावल भुट्टो ने अल्ताफ हुसैन का नया फॉर्मूला भी मुस्तरद कर दिया। मरसू सिंध न डेसू, खपे खपे पाकिस्तान खपे, एक बार फिर ट्वीट। सुरजीत मेमन ने अल्ताफ हुसैन के दावे मुजाहिका खेज करार दे दिए। हाजी अदील का कहना है कि सिंध का कोई बेटा कालाबाग डैम की हिमायत नहीं कर सकता। मुनव्वर हसन और इरफानुल्लाह मरवत ने MQM को सब कौमियतों का नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया। अयाज कलीचू कहते हैं माँ नंबर 1 और 2 नहीं होती, कल हड़ताल जरूर होगी। सुन्नी तहरीक ने कौम परस्तों की हड़ताल की हिमायत कर दी। सरवत एजाज कादरी कहते हैं किसी को नया मशरकी पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे। बलदियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतर आई। कराची के अलादीन पार्क में जलसा, कारकुनों का जोशो खरोश काबिले दीद। कराची में कयामे अम का ख्वाब और दावे किरची किरची। टारगेट किलर्स ने तहरीक इंसाफ के बलदियाती उम्मीदवार समेत 10 अफराद की जान ले ली। मुल्क में दहशतगर्दों की कोई गुंजाइश नहीं, तालिबान से मुजाकरात किए गए तो शहर शहर धरने देंगे। इस्लामाबाद में कौमी अमन कन्वेंशन में ऐलान। परवेज मुशर्रफ की तबीयत बेहतर, इब्तदाई टेस्ट तसली बख्श करार। अहमद रजा कसूरी कहते हैं साबिक सदर बीमार है, कल अदालत में पेश नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 86वीं सालगिरह पर शहर शहर तकरीबात। जियालों का हर जगह एक ही अंदाज, केक देखते ही टूट पड़े। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के दौरान हंगामे, जलाओ घेराव, 19 अफराद हलाक, वोटों की गिनती जारी, टर्नआउट इंतहाई कम रहा। अपोजिशन जमातों ने मजीद 2 दिन हड़ताल की कॉल दे दी। और कम अरसे में लाखों दिलों पर राज करने वाली दीपिका पादुकोण की आज 28वीं सालगिरह। कातिल अदाओं पर चाहने वाले हर वक्त फिदा।